दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 कब होगा। यूपी में इस दिन से शुरू होगा पी बोर्ड की परीक्षा। एग्जाम डेट को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने दी यह जानकारी। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा 15 जनवरी 2021 के लिए पी बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएंगी। पी बोर्ड परीक्षा राज्य भर में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 25 जनवरी 2021 तक आयोजित की जाएगी। लगभग 56 लाख छात्रों को पी बोर्ड परीक्षा के लिए फिर बोर्ड परीक्षा के लिए उपस्थित होने की उम्मीद है। जी आपको बता दें जिला स्कूल निरीक्षक के अनुसार विषयवार पी बोर्ड डेट स्कूलों द्वारा जारी की जाएगी। स्कूलों को कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 30 जनवरी 2021 तक उत्तर पुस्तिका को मूलांक पूरा करना होगा। मूलांक प्रक्रिया पूरा होने के बाद सभी स्कूलों को जिला टॉपर के नाम जिला कार्यों को सौंपने होंगे। वही यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 अप्रैल मई 2021 में आयोजित होने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा की तारीख राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तारीखों पर निर्भर रहेगी। जी हां, आपको बता दें इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं में कुल 56,03,800 जहां पे यूपी बोर्ड एग्जाम को प्राप्त हुए। इसमें से कक्षा 12वीं के छात्रों को 29,94,310 आवेदन प्रस्तुत किए गए और कक्षा 10वीं छात्रों को द्वारा 26,09,501 आवेदन जमा किए हैं। जहां पे यूपी बोर्ड एग्जाम परीक्षाओं के लिए आवेदन विंडो 5 जनवरी 2021 को बंद कर दी गई थी। पिछले साल से परीक्षाओं में पंजीकरण कराने वाले छात्रों को संख्या में वृद्धि हुई है। इस साल भी कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए 13,20,290 छात्रों ने आवेदन किया है और 10वीं परीक्षाओं के लिए 11,35,730 छात्रों ने आवेदन किया है। कक्षा 74,022 लड़कों और 10वीं परीक्षाओं के लिए 14,73,700 लड़कों ने आवेदन किया है।